This is for class 7 and the topic of this video is transfer of heat. So we know the transfer of heat, there are three popular methods, that is conduction, convection and radiation. So in this video we will understand in detail about these three methods: conduction, convection and radiation. See, the first one, conduction. Conduction is a method of heat transfer when both objects are in direct contact with each other. लाइक सपोज जब आप कुकिंग करते हैं, आप कुकिंग करते हुए किसी को देखते हैं, तो जो स्पैटुला अगर हमने कुकिंग यूटेंसिल में रख दिया तो कुछ देर के बाद हमारा स्पैटुला क्या होता है, गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है. तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला तो कंडक्शन होता है कि फ्लेम से जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होकर यूटेंसिल में आती है, दैट इज़ ऑल्सो कंडक्शन. फिर उस यूटेंसिल से वो ट्रांसफ़र होकर हीट हमारे स्पैटुला में एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है, दैट इज़ ऑल्सो कंडक्शन. सो कंडक्शन इज़ बेसिकली अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. अब कंडक्शन में देखो ट्रांसफ़र होता कैसे, पहले उसको समझेंगे. कंडक्शन में क्या होता है ना कि जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है, सॉलिड में ही कंडक्शन होता है. तो कंडक्शन में जब एक पार्ट पे आप हीट देते हो तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने लगते हैं एंड दे ट्रांसफर दिस हीट टू द नियर बाई मॉलिक्यूल. एज वी गिव द हीट टू वन साइड ऑफ अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट, कोई भी मेटल है उसके एक साइड में हम हीट दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे आप हीट दे रहे हो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट के, उनको क्या मिलती है, हीट मिलती है. तो उनमें एनर्जी आती है, हीट क्या करता है, एनर्जी देता है, हीट इज़ अ काइंड ऑफ थर्मल एनर्जी. और उसकी वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, और जब वो वाइब्रेट करते हैं तो ये वाइब्रेशन जो है वो अपने नियर बाई मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं और यही ट्रांसफ़र कंटिन्यू होता है. अच्छा, यहाँ एक चीज़ हमेशा याद रखोगे कि कंडक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, वो वाइब्रेट करेंगे हीट को, यानी कि थर्मल एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे अपने नियर बाई मॉलिक्यूल्स को और फिर वो दोबारा अपने पोजीशन पर आ जाएंगे. सो मॉलिक्यूल्स इज नॉट मूविंग इन द मेथड ऑफ कंडक्शन. कंडक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस विदाउट द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये जो हीट एनर्जी है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसफ़र हो जाती है और इस तरीके से हीट पास ऑन होता है. और हम जानते हैं कि हीट कैसे पास ऑन होता है, हमेशा फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर वन. तो ये जो मेथड होता है ना, ये है कंडक्शन. दिस इज़ द कंडक्शन. मतलब बेसिकली अगर कंडक्शन को आपको डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड द मॉलिक्यूल्स विल नॉट मूव, दे ओनली वाइब्रेट एंड ट्रांसफर दिस वाइब्रेशन टू द नियर बाई मॉलिक्यूल्स एंड बाई दिस from the hotter end of the object the heat will transfer to the cooler end of the object. So this one is known as the conduction. Now the second one is convection. Convection is different, children. Convection is a method of heat transfer by the movement of molecules. Because convection में क्या होता है ना, convectional current जो होता है वो produce होता है और वो create होता है और उसकी वजह से heat transfer होती है. जिसका बहुत ही common example है जो हम देखते हैं हमारे घर में, जो AC हमने install करके रखा है. देखो अगर आपका जो एक कमरा है, मान लो अगर उसमें आप 20-25 लोग एक साथ रहोगे और काफ़ी ख़राब वेदर है, बहुत गर्मी है, तो वहाँ पर बहुत ही ह्यूमिड हो जाएगा, बहुत ही वार्म एयर आएगा. आप जैसे AC ऑन करते हैं तो AC को आपके कमरे को ठंड करने में, कूल करने में कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है. तो ये प्रोसेस कैसे होता है, वार्म एयर की एक टेंडेंसी होती है कि वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा और जो कूल एयर होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है. तो वार्म एयर हमेशा ऊपर जाता है और एसी से जो कूल एयर है वो कमरे में चारों तरफ नीचे आता है. तो इस तरीके से एक सर्कुलेशन क्रिएट होता है वार्म एयर का और कूल एयर का. इसी सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट है. और ये जो मेथड है ट्रांसफर ऑफ हीट का, ये हमारा क्या होता है, कन्वेक्शन. दूसरा एग्जांपल आप हॉट एयर बलून के कॉन्सेप्ट में भी देख सकते हो. हॉट एयर बलून में क्या होता है कि नीचे जो बर्नल रहता है ना वहां से हीट जाता है. तो ये जो हीट है फिर ये वार्म एयर है तो वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा और जो कूल एयर अंदर में है वो नीचे आएगा. तो यहां पे फिर एक सर्कुलेशन प्रिपेयर्ड हो जाता है कूल एयर और वार्म एयर का और इसकी वजह से हमारा हॉट एयर बलून जो है वो ऊपर उड़ते रहता है. तो ये भी हमारा कन्वेक्शन करंट का, यानी कि कन्वेक्शन का एक एग्जांपल है. इसके अलावा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ये भी दो बहुत कॉमन एग्जांपल है कन्वेक्शन करंट का. कन्वेक्शन में जो हम पढ़ते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, वो हम आपको बाद में समझाएंगे, वो हम इस बाद में डिस्कस करेंगे. तो अभी हम जो मेन तीन मेथड है ट्रांसफर ऑफ हीट के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, पहले उसको समझेंगे. अभी तक क्या समझे कि कंडक्शन जो है वो ऐसा मेथड है जिसमें मॉलिक्यूल्स शिफ्ट नहीं होते हैं, वो एक सिरे से दूसरे सिरे में वाइब्रेशन के थ्रू हीट एनर्जी को पास ऑन करते हैं और हीट हमारा पास हो जाता है, दैट इज़ कंडक्शन.
कंडक्शन सॉलिड्स में होता है क्योंकि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स हमेशा क्लोज होते हैं, वो तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो. तो सॉलिड ही बेस्ट होता है कंडक्शन के लिए. बट कन्वेक्शन हैपन्स इन लिक्विड एंड गैसेस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कन्वेक्शनल करंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है. ठीक है, कन्वेक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जितने वेंटिलेटर्स हैं, वेंटिलेटर कहाँ पर इंस्टॉल रहते हैं, किसी भी रूम में ऊपर की तरफ रहते हैं. क्यों रहते हैं? ताकि वेंटिलेटर से कूल एयर अंदर आएगा और वार्म एयर जो रूम में है वो वेंटिलेटर के थ्रू बाहर चला जाएगा. In the water, when we warm the water also, if you boil the water, then in that case, inside the water also, convection current is happening. क्या होगा, देखो किसी भी utensil में, अगर किसी भी utensil में उसको flame पे रखो और अंदर में water है, तो सबसे पहले जो molecules बिल्कुल base में हैं उनको heat energy मिलेगी. तो वो molecules क्या हो गए, अब वो molecules heat up हो गए तो वो ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर से जो molecules ठंडा है, जो cool molecules है वो नीचे आएगा. तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक circulation create हुआ, cool air, cool molecules एंड हॉट मॉलिक्यूल्स का. तो ये जो सर्कुलेशन है ये क्या है, कन्वेक्शन करंट है, और धीरे धीरे वो पूरा जो पानी है वो बॉयल होने लगता है. नाउ कम टू द रेडिएशन. रेडिएशन इज टोटली डिफरेंट. यू नो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन वी रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रांसफर द हीट. फॉर रेडिएशन वी डोंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रांसफर द हीट. तो सबसे पहला पॉइंट आपको रेडिएशन में यही याद रखना है कि रेडिएशन जो होता है ये एक वेव्स के थ्रू होता है. इसको ट्रांसफर होने के लिए किसी भी तरीके के मीडियम की जरूरत आपको नहीं है. ठीक है, अब देखिए क्या होता है. अब देखो ये पिक्चर ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है वो जो फायर है, वो फायर में आप डायरेक्टली तो हाथ नहीं डालते हो, थोड़ी दूर से सेकते हैं हम लोग अपना हाथ विंटर सीजन में. तो यहाँ पे हमको क्या, हीट एनर्जी तो मिल रही है वहाँ से, क्लियर है. तो ये जो हीट एनर्जी हमको मिल रही है, जो थोड़े डिस्टेंस से मिल रही है, ये क्या है, रेडिएशन के थ्रू मिल रही है. Radiation is a method in where the heat transferred in the form of waves, okay? And in radiation, we don't require any kind of medium to transfer the heat energy. तो अगर आप differences भी करोगे ना conduction, convection और radiation में, तो ये बहुत simple सा difference है कि conduction basically solids में होता है, convection आपका liquid और gases में होता है, और radiation ऐसे तरह होता है जहाँ पर किसी medium की requirement नहीं होती है. ठीक है, conduction हमारा solid में, इसमें liquid and gas, और यहाँ पर कोई medium नहीं. तो दूसरा point आप लिख सकते हो कि रेडिएशन जो है आपको बहुत ही फास्ट होता है, और उससे कम फास्ट होता है कन्वेक्शन, और सबसे धीरे जो होता है वो होता है कंडक्शन. ठीक है, कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, वो अपने जगह पे ही रहते हैं, बस वाइब्रेट करके आपका हीट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं. कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स शिफ्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और वो करंट होता है, कन्वेक्शन करंट के थ्रू ही ट्रांसफर होता है. बट रेडिएशन में ऐसा कुछ नहीं है, रेडिएशन जो है वो इन फॉर्म ऑफ वेव्स आपका हीट ट्रांसफर होता है.